बहुत स्वागत है जी सारिआं दा। मैं हाँ सुरेंद्र ढल्ला। तुसीं वेख रहे हो पंजाब इस वेले। पंजाब दे 18 जून दे बिल्कुल ताज़े अपडेट लैके मैं हाज़र हाँ। सब तो पहलां ही दस दईए कि 18 जून नूं पंजाब दे विच 118 नवे पॉजिटिव मामले ऐलाने गए ने। भाव पंजाब दे विच पिछले कुछ दिनों तो लगातार केसां दी गिणती वधदी जा रही है। हालांकि कल 126 केस है जिहड़े पॉजिटिव ऐलाने गए सन। सो अज 18 जून नूं 118 केस ने जिहड़े वह पॉजिटिव ऐलाने गए हैं। 118 दे विचों सब तो ज़्यादा 18 जून नूं केस आए ने अमृतसर। अज सिर्फ जलंधर दे विच एक केस आया, लुधियाणा ते अमृतसर दे विच खासे केस आए ने। अमृतसर 39 नवे पॉजिटिव केस आए ने और लुधियाणा दे विच 21 नवे पॉजिटिव केस आए ने। सब तो पहला यह दस दिए अमृतसर दे विच जिहड़े 39 केस आए ने उन्हां दे विचों सारे दे सारे केस लोकल ने। 3 अजिहे केस ने जिथे जेल दे कैदी पॉजिटिव आए ने। 28 नवे केस ने। 8 केस वो ने जिथे पुराने संपर्कों चो पॉजिटिव लोग होए ने। मोहाली च 7 केस आ गए ने, सारे लोकल ने। 5 संपर्कों चो पॉजिटिव होए ने और 1 नवा केस है जिथे एक स्टाफ नर्स पॉजिटिव पाए गए ने। और 1 केस दे विच एक होर नवा केस है, प्री ओपरेटिव केस है, एक होर नवा केस है। मोहाली च कुल 7 पॉजिटिव केस ने। जलंधर च इक्को ही केस है, नवा केस है। पटियाला च 12 केस ने, एक नवा केस है और 11 केस पुराने संपर्कों चो पॉजिटिव बने ने। कपूरथला दे विच 2 केस ने, दोवें लोकल ने, दोवें नवे केस ने। संगरूर च 8 केस ने, इन्हां दे विचों 5 तां जिहड़े ने वो पुलिस परसोनल ने। सो पुलिस दे मुलाजमां ते पंजाब दे विच बहुत वड्डा इस वक्त संकट है। कुछ दिन पहला पंजाब दे DGP ने भी कहा सी पंजाब च 5000 तो वध पुलिस मुलाजम जिहड़े फ्रंट ते योधे बन के लड़ रहे ने। सो उन्हां दे टेस्ट किए गए सी। सो हुण संगरूर दे विच भी 5 होर केस ने जिहड़े वो पुलिस मुलाजमां दे अज पॉजिटिव ऐलाने गए ने। और इस तों इलावा जिहड़े बाकी 3 ने वो आम सिविलियंस दे सधारण लोगों के पॉजिटिव केस ने। फिरोजपुर च 1 है, ये पुराने संपर्कों तो पॉजिटिव होया। तरन तारण च 6 ने, 3 तो बिल्कुल नवे केस ने, ये मजदूर के केस ने। तरन तारण च 3 नवे ने जिहड़े और 3 लोकल ने। उन्होंने 2 ने जिहड़े वो बिल्कुल नवे केस ने और 1 केस कैदी का। तरन तारण च 1 कैदी पॉजिटिव हो गया। लुधियाणा च 21 ने, 15 पॉजिटिव संपर्कों चो बने ने। 15 पॉजिटिव संपर्कों का भाव जिहड़े पहले लोग पॉजिटिव से उन्होंने संपर्कों चो। और 5 नवे केस ने, इन्हां बारे पता किया जा रहा है किन्हां तो पॉजिटिव होए ने। इस तरह कुल 21 केस लुधियाणा च अज पॉजिटिव ने। फतेहगढ़ साहब दे विच 2 पॉजिटिव ने, 1 दी ट्रैवल हिस्टरी सूरत दी सी और 1 पुराने संपर्क चो पॉजिटिव होया। मानसा च 1 ही केस है, ये फॉरन तो आया होया नागरिक है। हुशियारपुर च 5 केस ने, इन्हां दे विचों 4 दा संबंध दिल्ली ते इलाहाबाद नाल यात्रा दा संबंध है, ट्रैवल हिस्टरी है। और 1 लोकल केस है। गुरदासपुर च 4 केस आए ने, 2 तां पुराने पॉजिटिव संपर्कों चों ने और 2 नवे केस ने। 1 हैल्थ वर्कर का भी केस है। सो पुलिस मुलाजम होण, साढ़े नर्सिज होण, हैल्थ वर्कर होण, सो इन्हां दे उत्ते भी लगातार चिंता वाला माहौल है जिहड़ा पंजाब च बणिआ। 8 केस बरनाला च आए ने। इन्हां दे विचों 6 नवे केस ने जिन्हां की ट्रैवल हिस्टरी UP अते बिहार की है और 1 पुराने संपर्कों चो है तो 1 नवा केस है। कुल 6 केस ने जिहड़े बरनाला दे विच आए ने। और 18 जून नूं पंजाब का पूरा अंकड़ा जे असीं पढ़ीए, पूरे पंजाब च हुण तक पॉजिटिव मरीजों की गिणती हो गई है 3615 पर 2570 मरीज साढ़े हुण तक ठीक हो गए ने। ठीक होने की दर है जिहड़ी पंजाब दे विच काफ़ी चंगी है। 962 मरीज़ ने जिहड़े हुण पंजाब च एक्टिव ने, भाव जिहड़े हुण भी वख-वख हस्पतालां दे विच इलाजधीन ने। और 26 मरीज़ ने ऑक्सीजन की सपोर्ट ते ने, 6 मरीज़ ने जिहड़े वेंटीलेटर ते ने। और स्वर्गवास होने वाले का आंकड़ा 83 हो गया। अज 5 व्यक्तियों के पंजाब च स्वर्गवास होने का ऐलान किया गया। जलंधर च 2, लुधियाणा च 2, संगरूर च 1। और हुण जिहड़े 3 वड्डे शहर ने उन्हां दा हाल लै लईए। पहलां अज दे ठीक होण वाले मरीजां दी गल सुण लईए। अज कुल 32 मरीज़ ठीक होए ने। जलंधर च 1, गुरदासपुर च 8, मोहाली च 2, पटियाला च 3, पठानकोट च 16 ते कपूरथला च 2। अज इस तरीके नाल मरीज़ ने जिहड़े वो ठीक होए ने। और 3 वड्डे शहर पंजाब दे, अमृतसर, लुधियाणा ते जलंधर, सानू पता है सब तो वड्डी चुनौती बने हुए ने। इन्हां 3 शहरां दा जिक्र करना बड़ा जरूरी है। 3 शहर जे असीं चंगी तरह सांभ ले, जीरो कर ले, तो पंजाब चों बहुत वड्डा संकट खत्म हो जाऊ।
अमृतसर च कुल केस हो गए ने 698, सो 700 तो सिर्फ 2 घट ने, और एक्टिव केस हो गए ने 219। 698 कुल है, 219 एक्टिव है, 454 ठीक हुए ने। और अमृतसर च पंजाब च सब तो वध लोग स्वर्गवास होए ने हुण तक 25। 698 कुल होए ने, 25 स्वर्गवास हो चुके हैं। लुधियाना च कुल हो गया 470 और 282 एक्टिव है। एक्टिव केस सब तो ज़्यादा लुधियाने च ने, पूरे पंजाब च 282 और 175 ठीक हो चुके ने, 13 स्वर्गवास अज तक लुधियाने च होए ने। जलंधर च कुल केस हो गए ने 410 पर एक्टिव 96 ने और 302 ठीक हो गए ने और 12 स्वर्गवास होए ने अज तक। सो पंजाब कुल पंजाब च 83 जिहड़े मरीज़ ने उह स्वर्गवास होए ने और इन्हां 83 चों 50 मरीज़ ने जिहड़े उन्हां दा संबंध लुधियाना अमृतसर ते जलंधर नाल है। सो इह तीन शहर, इसे करके मैं बार बार कह रहा कि पंजाब दे इह तीन शहर चिंता वाले ने, पर जलंधर तो एक राहत वाली अज जानकारी इह सी कि जलंधर च अज इक्को केस आया, इह चंगी सुख वाली गल है। गुरदासपुर च कुल 175 हो गए, 17 एक्टिव ने। तरन तारण च कुल 176 हो गए, 14 एक्टिव ने। मोहाली च कुल 191 हो गए, 57 एक्टिव ने। पटियाला च कुल 191 हो गए, 60 एक्टिव। संगरूर च कुल 172, 50 एक्टिव। पठानकोट च कुल 157, 49 एक्टिव। हुशियारपुर कुल 150 है पर 15 एक्टिव ने। और शहीद भगत सिंह नगर च कुल 121, 11 एक्टिव है। फरीदकोट च 16 एक्टिव ने। रोपड़ च 13, फतेहगढ़ साहब च 11, मुकतसर च 2, मोगा 4, बठिंडा 6, फजिलका 6, फिरोजपुर 11, कपूरथला 5, मानसा 4 ते बरनाला 14। ये एक्टिव केसां दी स्थिति है। कुल 962 केस पंजाब दे विच एक्टिव है, 2570 ठीक होकर घरां नूं जा चुके ने, 3615 पंजाब दा कुल आंकड़ा है। उधर पंजाब सरकार वल्लों भी लगातार कोशिश की जा रही है कि लगातार आम लोगों नूं वध तो वध जागरूक किया जाए। सो पंजाब दे वख-वख ज़िलों दे विच बैज लाए जा रहे ने, जिहड़े योधे ने, जिहड़े वारीयर्स ने, मिशन फतेह दे वारीयर्स ने, जिहड़े वलंटियर्स ने, उन्हां नूं थां थां दे उत्ते उन्हां नूं बैज लाए जा रहे ने तां कि उह उन्हां दी हौसला अफजाई भी होवे ते उह फील्ड च जाके लोगों नूं वध तो वध जागरूक करन। सो इह सी पंजाब दा मैडिकल अपडेट ते हुण कुछ सियासी सरगर्मियां दा रुख करदे हां। उधर मीडिया रिपोर्टां दे आधार ते आम आदमी पार्टी दे विधायक अते विरोधी धिर दे आगू हरपाल चीमा ने पंजाब सरकार ते इल्जाम लाया कि हुण सूबे दी सरकार पंजाब दीआं विरासती अते सभ्याचारक यादगारां नूं भी प्राइवेट हत्थां विच सौंपण दी तैयारी कर रही है। हालांकि इस मामले ते सरकारी पक्ष दा इंतजार रहेगा। हरपाल चीमा दा इल्जाम सुणदे हां। पंजाब सरकार दे विच भी जिहड़ा लैंड माफिया गा उस तरह काम कर रहा जिस तरह श्रोमणी अकाली दल की सरकार काम करता सीगा, क्योंकि लैंड माफिया के जन्मदाते अकाली दल बीजेपी की सरकार सी। हुण वो जिहड़ा माफिया गा उस तरह जिवें अकाली दल ने पहला बहुत सारे सर्कट हाउस, बहुत सारिया जमीना, बहुत सारे सरकारी जिहड़ियां प्रॉपर्टियां सीआं वो प्राइवेट हत्थां नूं सौंपियां सी, उस धरती उत्ते उस स्टाइल दे विच इस समय पंजाब विच कैप्टन साहब की सरकार उस माफिया के तहत, उस लैंड माफिया के तहत जिहड़ियां पंजाब दीआं विरासती यादगारां नेगियां, जिहड़ियां साडे विरसे नाल साडीआं धार्मिक विरसे नाल जुड़ियां होईआं यादगारां नेगियां, उन्हां नूं प्राइवेट हत्थां सौंप रही आ। अज एक पंजाबी दे प्रमुख अखबार ने बड़ी वड्डी खबर जिहड़ी आ छापी आ। सो मैं उहदी निखेधी करदा और अज मैं एक लैटर अपने वल्लों एक लैटर जिहड़ा हैगा पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन साहब नूं भेजिआ गा कि इस जिहड़ियां फैसला गा इहनूं वापस लिया जावे, क्योंकि इह पंजाब दे लोकां दे खिलाफ आ, पंजाब दी सरकारी जिहड़े प्रॉपर्टी उहदे खिलाफ आ और साडी विरासत खास तौर ते खालसे दी विरासत उहदे खिलाफ हैगा और साडे सभ्याचार दे खिलाफ आ। सो इह जिहड़ा फैसला ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੁਣਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਸਾਂਭ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਉਧਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ
ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਾ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,42,00,000 ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਹੀ ਘੱਟ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ BJP ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੰਡਿਆ, ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸੇਫ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਖੇਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ।